जादुई कौआ। करण बड़े ही दुख मन से घर की तरफ लौट रहा था। आज उसे कोई भी काम नहीं मिला। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए एक आम के पेड़ के पास पहुंच गया और तोड़कर आम खाने लगा। उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में कुछ बोल रहे थे। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के मांझे में फंसा हुआ एक कौवा लटक रहा था। वह बार बार पंख फड़फड़ा रहा था लेकिन मुक्त नहीं हो सका। अरे ये कौवा आज सुबह से इस पतंग के मांझे से फंसकर लटका हुआ है, अब इसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये इस बंधन से निकल भी नहीं पाएगा और ऐसे ही मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये बेचारा भी हमारी तरह ही एक जीव है, इसे भी जीने का हक है, मैं इसे बचा लूंगा। अरे करण, एक कौवे के लिए क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है? वो बड़ी पतली डाली से लगे हुए मांझे में फंसा हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कौवे को बचा लिया जाए। करण आगे बढ़ा और पेड़ पर चढ़ता चला गया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वह मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। उसने मांझे को पकड़ा और अपनी तरफ लेकर उसे ऊपर से तोड़कर कौवे को लेकर नीचे उतर आया। अरे वाह करण, आखिरकार तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई, खून भी आ रहा है। मुझे चोट के दर्द की परवाह नहीं है, सबसे बड़ी खुशी इस कौवे को बचाने में हुई है। मुझे दया आ गई थी और मैं इस कौवे को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इसे थोड़ा पानी पिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा और फिर ये उड़ने के लिए आजाद हो जाएगा। करण उस कौवे को आम खिलाकर और पानी पिलाकर उड़ाने के लिए तैयार हो गया। कौवा करण के जख्म के पास चोंच ले गया और चमत्कार हुआ, जख्म और दर्द दोनों चले गए। अरे मेरा जख्म और दर्द दोनों गायब, कमाल हो गया। अब तुम आराम से उड़कर आजादी का आनंद लो। उड़ते समय चारों तरफ सावधानी से देखकर उड़ना। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उस पेड़ पर सवेरे से लटका हुआ था, सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैं तो जिंदगी की आशा छोड़ चुका था, आपने मुझे बचा लिया। मैंने अपना काम किया, तुम्हें बचाने के बाद मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो इस दुनिया में अकेला ही था, मेरे साथ कुछ जीव जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, दोस्त बन जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा ये बताइए कि आप आज कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा काम है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। मेरा मतलब रोज काम करता हूँ, दो पैसे मिलते हैं। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन मामला फटे हाल रहता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें बचाकर मैंने एक अच्छा काम किया। मुझे दुआ भी मिली और दोस्त भी मिल गया। मेरे होते हुए मेरा दोस्त फटे हाल कैसे रह सकता है? आपने सुबह से खाना नहीं खाया, यहाँ नीचे बैठिए, पेट पूजा भी हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाकर हवा में देखा और जैसे ही सर नीचे किया, भोजन की सजी हुई स्वादिष्ट व्यंजनों की दो छोटी बड़ी थाली सामने आ गई। करण की आश्चर्य मिश्रित खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों अपनी अपनी थाली का भोजन बड़े प्रेम से करने लगे। मेरे दोस्त यहीं रुको, मैं जल्दी ही लौटूंगा। कौवा उड़ा और बहुत दूर चला गया। करण ने आज अपने जीवन में यह नया चमत्कार देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। उसने आकाश की तरफ देखा तो उसका मित्र कौवा तेजी से अपने मुंह में एक पत्थर लिए हुए उड़ता चला आ रहा था। आओ दोस्त, आज तुमने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया, ये पत्थर क्यों लेकर आए हो? दोस्त अभी बताता हूँ, वो दूर पड़ा हुआ लोहा लेकर आओ। करण वह लोहा लेकर आ गया।
अब इस पत्थर का लोहे से स्पर्श कराओ। करण ने जैसे ही पत्थर को लोहे पर रखा तो चमत्कार हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरा लोहा सोना बन गया। अरे दोस्त, ये तो जैसे जादू हो गया, कमाल हो गया। हाँ, अब मेरा दोस्त मालामाल हो गया। अब इस पत्थर को अपने पास संभाल कर रख लो और जब चाहो इसके कमाल से सोना बना लो। चलो मैं आपके घर भी चलता हूँ। दोनों घर पर पहुँच गए। वहाँ एक कुत्ता शेरू, बंदर चीकू जैसे करण का इंतजार ही कर रहे थे। दोनों पास आ गए। कौवे ने फिर चोंच ऊपर की और खाना आ गया। शेरू और चीकू प्यार से खाने लगे। शेरू और चीकू, तुमने इतना कमाल तो देख ही लिया। इनका नाम मैंने आज से जादू रख दिया है। ये जादू भी हमारे पक्के दोस्त बन गए हैं। चीकू, कुछ लोहे की चीजें लेकर आओ। चीकू कुछ लोहे की चीजें लेकर हाजिर हुआ। उसके पीछे शेरू भी आ गया। करण ने चमत्कारी पत्थर को लोहे की चीजों से स्पर्श कराया और वे सब सोने में बदल गए। करण ने सोने की मदद से धन इकट्ठा किया और अपने लिए ढंग का एक घर बनवाया और कुछ खेती बारी खरीद ली। सभी लोगों के लिए अच्छा सिंचाई का साधन, विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि बनवाए। जादू मेरे दोस्त, अब मैं अपने खेतों में अन्न उपजाऊंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मैं मेहनत करके उन्नति की राह बनाऊंगा। जहाँ अति आवश्यक होगा वहीं जादुई पत्थर का उपयोग करूंगा। एक दिन गांव के एक बदमाश व्यक्ति मगरू ने करण के जादुई पत्थर का कमाल देख लिया। वह रात को छिपकर करण के घर पहुंचा। उसके हाथ में चाकू था। चीकू बंदर उसे देख रहा था। मगरू की नजर पत्थर पर पड़ी और उसने झपट कर उसे उठा लिया और उसे लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शेरू बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था लेकिन चीकू ने उसे रोक लिया। करण सवेरे उठा और उसने देखा जादुई पत्थर गायब है। अरे चीकू, शेरू, तुम लोगों का यहाँ रहकर क्या फायदा हुआ? मेरा जादुई पत्थर चोरी हो गया और तुम लोग देखते रह गए। करण इधर उधर चलकर परेशान होने लगा। जादुई कौवा भी आ गया। करण मेरे दोस्त, हमने बदमाश मंगरू को पत्थर ले जाते हुए देखा लेकिन नहीं रोका। उसके हाथ में चाकू भी था। ये सही नहीं हुआ, वो जादुई पत्थर गलत आदमी के हाथ में लग गया। मंगरू पत्थर तो ले गया लेकिन असली जादुई पत्थर तो मेरे पास है। मैंने ही पत्थर को बदल दिया था। ये लो, असली जादुई पत्थर यहाँ है। करण हंसने लगा। सभी दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जादुई लाठी। जानकी नाम की एक बुढ़िया भिखारन रोज मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती थी। जो भी आता कुछ न कुछ उसके कटोरे में डाल देता। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास थोड़े बहुत पैसे ही थे। वही लेकर वैद्य जी के पास दवा लेने गई। वहाँ से आई तो उसमें इतनी भी ताकत न थी कि घर तक आ सके। वह धीरे धीरे चल रही थी तभी उसे ठोकर लग जाती है। वह गिर पड़ती है। उसी समय उधर से बिरजू नाम का एक लड़का जो अपनी भेड़े चरा कर जंगल से लौट रहा था, उसने जानकी को सहारा देकर उठाया और बोला, दादी तुम्हें चोट तो नहीं आई? जानकी ने कहा, शायद घुटने छिल गए हैं, चक्कर आ गया था। बिरजू ने उसे एक लाठी पकड़ाते हुए कहा, दादी ये लाठी मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी, तुम रख लो, मैं अपने लिए दूसरी ले आऊंगा। उसने जानकी को सहारा देकर उसके घर तक छोड़ दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने बिरजू को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके जाने के बाद उसने लाठी को जमीन पर रख दिया और वहीं बिस्तर पर आकर सो गई। थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो उसने देखा लाठी ठक ठक करते हुए उसके पास आकर बोली, तुम्हारे लिए खिचड़ी रखी है, खा लो। जानकी सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है, ये लाठी बोल कैसे सकती है। उसने देखा तो सचमुच उसके पास गर्मा गर्म खिचड़ी रखी थी। वह उठ गई और खिचड़ी खाने लगी। खिचड़ी खाते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके भीतर बहुत ताकत आ गई। उसने सोचा, कमाल की है ये लाठी और उसकी दी हुई खिचड़ी भी। रात भर उसे नींद नहीं आई।
सुबह उठकर उसने घर की सफाई की और लाठी उठाकर अपना कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा, मैं भीख इसलिए मांगती हूँ कि मुझसे कोई काम नहीं होता। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना चलकर कोई काम ढूंढ लूँ। वह लाठी टेकती हुई सड़क पर जा रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ लोग तसले में मिट्टी ला लाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। वह ठेकेदार के पास गई और बोली, बाबूजी मुझे भी काम दे दो। ठेकेदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मिट्टी उठा पाओगी? जानकी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। ठेकेदार ने उसे एक तसला दे दिया। जानकी के पास तो न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि जब तक और लोग एक तसला मिट्टी फेंकते, तब तक वह 3 बार मिट्टी फेंक रही थी। वह खुद अपने ऊपर हैरान थी। शाम को ठेकेदार ने जानकी को मजदूरी के पैसे देते हुए कहा, अम्मा कल भी आ जाना। जानकी पैसे लेकर लाठी ठकठकाती हुई घर आ गई। लाठी को एक कोने में टिकाकर वह मुंह हाथ धोकर बैठी थी कि लाठी ठक ठक करती हुई आई और बोली, आज तो तुमने बहुत मेहनत की है ना, चलो अच्छा अच्छा खाना खा लो। उसके सामने तरह तरह के पकवानों की थाली आ गई। जानकी ने झटपट सारे पकवान खा लिए। फिर लाठी को हाथ में लेकर बोली, लाठी लाठी सच बताओ तुम कौन हो। लाठी छिटक कर दूर जाकर खड़ी हुई और बोली, जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ, तो सुनो मेरी कहानी। मैं एक साधारण सी लाठी हूँ। मुझे एक जादूगर ने जादुई लाठी बना दिया, लेकिन वह मेरा गलत फायदा उठाने लगा। वह जब किसी के ऊपर नाराज होता तो मुझे आदेश देता कि इसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। मुझ में जादुई शक्तियाँ थी, इसीलिए एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इसी को पीट पीट कर अधमरा कर दूं। यह मुझसे निर्दोष लोगों को पिटवाता है और मैंने उसे अधमरा कर दिया। मैं उसको छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी बिरजू ने मुझे देख लिया और मैं तुम्हारे पास आ गई। जानकी बोली, तुमने बिरजू की कोई मदद क्यों नहीं की। वह बोली, मैं उसकी मदद करना चाहती थी पर उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया। जानकी ने कहा, तुम मेरा बुढ़ापा खत्म कर दो। उसके इतना कहते ही जानकी के पूरे शरीर में झनझनाहट सी हुई और अपनी उम्र से 30 साल पीछे चली गई। अपने शरीर को देखकर वह फूली नहीं समाई। उसने कहा, अब तो मैं पहले जैसी स्वस्थ हो गई। अब मैं कोई भी काम करके अपना और दूसरों का पेट पाल लूंगी। तुमने मेरी काया ही पलट दी। लाठी बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जानकी ने कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जा पाए, मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मेरे साथ जो भीख मांगने बैठते थे, मैंने देखा है वो कितनी जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। मैं उन सब के लिए एक आश्रम बनाऊंगी जहाँ सब कुछ न कुछ काम करके अपनी जीविका चला सके। लाठी ठक ठक करती हुई उसके पास आई और बोली, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी जानकी ने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया है और ढेर सारे नौकर जाकर हवेली में अपने अपने काम में लगे हैं। जानकी उठी, लाठी हाथ में पकड़ी और कहा, अब चलो जहाँ मैं भीख मांगने जाती थी वहाँ लेकर चलती हूँ। जानकी जब वहाँ पहुँची तब सभी भिखारियों ने कहा, अब से सब लोग मेरी हवेली में रहेंगे, किसी को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, सब उसके पीछे पीछे हवेली आ जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। जानकी ने सबसे कह दिया, अब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई भीख नहीं मांगेगा। अब उस हवेली का नाम जानकी आश्रय हो गया था। उस हवेली के लोगों के लिए जानकी ने सिलाई मशीन, कारीगरी का सामान और बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई। बिरजू सब काम करवाने में जानकी की पूरी मदद करता था। सबको अच्छी तनख्वाह मिलती थी। जादुई लाठी ने सबका जीवन बदल दिया।